अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगी। तो ये जी मैंने एक छोटा सा पार्सल ऑर्डर किया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। जी ये मैंने मंगवाया था अपने मोबाइल के जो ना कैमरा के ग्लास प्रोटेक्टर थे वो मंगवाए थे। पहले एक दफ़ा मैंने द्रास से ऑर्डर किए थे तो वो बाई मिस्टेक जो ना मैं उतार बैठी और दोबारा जो ना लगाए तो वो नहीं लगे, तो इसलिए मुझे दोबारा ऑर्डर करने पड़े एक और वेबसाइट से। तो ये जी चेक करते हैं कि ये पार्सल हमारा सही आया है कि नहीं आया। तो ये जी उन्होंने साथ हमें दो वाइप्स दी हैं उसको साफ़ करने के लिए, और ये हैं जी मोबाइल के ग्लास प्रोटेक्टर कैमरा के जो ना, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे मोबाइल के जो ना कैमरा के वो जो है ना लेंस वगैरह वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं तो ऐसे उल्टा रफली तौर पर रख देते थे। तो मैंने सोचा कि ये दोबारा ऑर्डर कर लेती हूँ, ये अच्छी चीज़ है कैमरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जी वाइप्स निकालते हैं, वाइप्स निकाल के हम जो ना अपने कैमरे के लेंस को अच्छी तरह करेंगे साफ। ये जी हाँ कैमरे की अच्छी तरह से जो ना सफाई कर लें, और अब तो मैं इसे दोबारा नहीं उतारूंगी क्योंकि ये दूसरी बार मैं इसको लगा रही हूँ। पहले भी बस बाय चांस उतार बैठी थी तो फिर उसके बाद वो दोबारा जो ना इसके साथ नहीं लगे। तो अब ये जी इसको उतार के और हम चेक करते हैं। तो ये जी मैं उल्टी साइड से लगा रही थी तो अचानक मैंने देखा कि ओहो ये मैं गलत साइड से लगा रही हूँ, इसको दूसरी साइड से लगाना था। तो ये जी अब हम इसके ऊपर रख के इसको फिक्स कर देंगे और फिर हम इसकी जो ना लेंस है उनको हम अच्छी तरह से जो ना साफ़ कर लेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैमरे का ठीक है या कुछ इसमें ख़राबी है या मदम है। तो ये देखिए जी कैमरा बिल्कुल हमारा नीट क्लीन हो गया और हमारा जो है ना कैमरा लेंस वो भी सेफ हो गया।